मनुष्य अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने दिल से पेंटिंग करता है। एक मूर्तिकार चीजों को आकार देने में रुचि रखता है, एक कवि शब्दों को, एक संगीतकार संगीत को, एक चित्रकार एक चित्र को जन्म देता है। आज हम आपको एक ऐसी महिला कलाकार से रूबरू करवाएंगे जो अपनी बीती चित्रकारी की कला से दांतों तले अंगुलियां दबाने को लोगों को मजबूर कर देती है। देखिए रिपोर्ट। तुम जो चाहो वो पा सकते हो, ठान लो कुछ कर दिखाने का तो अपनी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल सकते हो। और ऐसा ही कुछ कर दिखाया चौमू के सामोद निवासी प्रेम ने। एक छोटे से गांव से घूंघट की ओट में शादी करके आई प्रेम देवी कुमावत ने अपने ससुराल सामोद आकर अपनी पेंटिंग की कला को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की ठान ली। प्रेम के पति मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ती भवरलाल पेंटर है और प्रेम अपने पति भवरलाल के काम में हाथ बटाकर पेपर वॉल पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग और भित्तीय चित्रकारी सीख गई। धीरे धीरे प्रेम देवी के हाथों में रंगों से भरी हुई ब्रश से कला बिखरती नजर आने लगी, जिसके चलते प्रेम देवी के हाथों से बनी पेंटिंग ने आर्ट और कल्चर के फील्ड में अपना नाम उम्दा पेंटरों की लिस्ट में लिखाया। इतना ही नहीं बल्कि प्रेम देवी ने अपनी इस कला के जरिए देश के विभिन्न राज्यों के साथ विदेशों में भी मिसाल कायम कर चुकी है। मेरे सामोद में मेरे हस्बैंड पेंटिंग का काम करते थे तो उनको देख देख के मेरी भी रुचि बढ़ी और मैंने भी पेंटिंग का काम सीखा और मैं इस काम के पीछे देश विदेश में जा चुकी और कम से कम 20-25 स्टूडेंट है मेरे जिनको मैंने आज तक काम सिखाया। प्रेम देवी ने बताया कि पहले कुछ झिझक थी मगर धीरे धीरे पति और परिवार का साथ मिला। इस दौरान घर पर पेपर पेंटिंग का काम करते करते घर के बाहर निकलकर वॉल पेंटिंग और कैनवास पेंटिंग का काम अपने पति के साथ शुरू किया। इस दौरान राज्य के जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा समेत दिल्ली, हरियाणा, चेन्नई, मुंबई, गोवा, मद्रास के साथ साथ विदेशों में साउथ अफ्रीका और मॉरिशियस में भी कई 5 सितारा होटलों समेत आलीशान बंगलों में वॉल पेंटिंग का काम करके आर्ट और कल्चर में अलग पहचान बनाई। मेरा बड़ा बेटा है, उसको भी मैंने पेंटिंग का काम ही सिखाया है, वो भी आज पेंटिंग का काम ही करता है। उसके पास में भी 4-5 स्टूडेंट काम करते हैं। मैंने कम से कम 15-16 बच्चे ऐसे हैं जो आज अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं। सामोद एक हेरिटेज गांव होने के कारण यहां विदेशी सैलानियों का आना जाना लगा रहता है। यहां पहुंचने के बाद विदेशी पर्यटक प्रेम देवी की कला को देखने से खुद को रोक नहीं पाते। इस दौरान विदेशी मेहमान कुमावत के घर जाकर उन्हें पेंटिंग करते देखकर दांतों तले उंगली दबा लेती है। प्रेम ने अपनी पूरी कला का प्रदर्शन अपने स्वयं के मकान पर किया। खास बात यह है कि प्रेम के मकान के भीतर जाने के बाद एक बार तो शेखावटी की किसी मशहूर पुरानी हेरिटेज हवेली की फीलिंग जरूर आती है। जबकि तस्वीरों में दिख रही ये सुंदर इमारत शेखावटी की इमारत नहीं बल्कि प्रेम का मकान है, जिस पर खुद प्रेम ने चित्रकारी करके सजाया है। आर्टिस्ट प्रेम देवी यही नहीं रुके बल्कि प्रेम अपनी कला को अन्य महिलाओं पुरुषों को बांटने का काम भी कर रही है। उन्हें ये कला सिखाकर आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रही है। प्रेम अब तक दर्जनों महिलाओं और पुरुषों को पेंटिंग का काम सिखा चुकी है। वो सभी महिलाएं अब खुद पेंटिंग बनाकर अपना व्यवसाय चला रही हैं और इनके हाथों से बनी पेपर और कैनवास पेंटिंग के डिमांड देश के विभिन्न राज्यों के अलावा फ्रांस, जर्मनी, इटली, बेल्जियम समेत कई देशों में है। आज प्रेम देवी की इस कला को देखने देश विदेश से लोग उनके घर आते हैं। प्रेम को चित्रकारी से इतना प्रेम हो गया कि अपने पति के काम में हाथ बटाकर वह खुद चित्रकारी में निपुण हो गई और आज प्रेम की चित्रकारी देश दुनिया में जाती है। कई कैनवास ऑर्डर से बनकर यहां तैयार होते हैं और फिर 7 समंदर पार जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रेम ने
अपनी तरह से तकरीबन एक दर्जन से ज्यादा महिला और पुरुषों को भी इस चित्रकारी में निपुण बनाकर आत्मनिर्भर कर दिया है। और इस कला की सामोद के आसपास के लोग तो तारीफ करते ही हैं, बाकी दूर सैलानी भी जो पहुंचते हैं वो भी प्रेम की कला की तारीफ करने से नहीं थकते हैं। प्रदीप सोनी, जी मीडिया, सामोद, जयपुर। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।